हेलो एवरीवन, वेलकम टू जमाल्स किचन। आज हम अपने किचन में एक बहुत ही बेहतरीन फालूदा घर में बनाएंगे। ये घर में आसान चीज़ों से बन जाता है और बहुत टेस्टी बनता है। आइए इसकी तैयारी करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम एक पैन चढ़ाएंगे, इसमें बनाएंगे जेली। हम जेली फालूदा बनाएंगे और कस्टर्ड फालूदा, घर में जो हमारे पास कस्टर्ड पाउडर होता है उसका। देखिए, सबसे पहले मैंने एक जेली का पाउच लिया, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। ये हमने रेड कलर की जेली ली है, इसमें दो पाउच निकलते हैं। इसको आप आसानी से निकाल के और अच्छे से चम्मच से ऊपर नीचे मिक्स कर दीजिए इस तरीके से। देखिए, इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और उधर हमने एक फ्राई पैन में एक गिलास पानी चढ़ाया है। देखिए, पानी गर्म हो गया है, अब वो इस बैटर में डाल देंगे और इसको अच्छे से चम्मच से हिलाएंगे। जब तक कि इसकी सारी जो शुगर है वो घुल ना जाए इसके अंदर। खौलता हुआ पानी डालेंगे इसमें, देखिए थोड़ा सा और डालेंगे जिससे थोड़ा पतला हो जाए ये। बस अब क्या करना है, इसको एक कांच के बॉल में जमा देना है और इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए कम से कम। ये अपने आप ही जली बहुत अच्छी जम जाएगी, फ्रिज में नहीं रखनी है इसको। अब जब तक दूसरा बैटर तैयार करते हैं, अब हम बनाएंगे रबड़ी। मेरे पास फुल क्रीम दूध है, मैं आपको इंस्टेंट फलूदा बता रही हूँ जो आप आधे घंटे के अंदर बना सकते हैं घर में। अभी रमज़ान चल रहा है, ये बहुत जल्दी बन जाता है। देखिए, दूध को मैंने बॉयल करने चढ़ा दिया था। अब इसमें एक चम्मच अरारोट पाउडर लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के हिला लेंगे, देखिए इस तरीके से। और इसको दूध में, खौलते हुए दूध में डालेंगे और चम्मच से हिलाएंगे जिससे इसमें लम्स ना पड़े। ये बहुत जल्दी क्विक बनने वाली रबड़ी है। अगर आप चाहें तो इसको कम से कम 1 से 1.5 घंटा दूध को वैसे ही पका सकते हैं, रबड़ी जम जाएगी। लेकिन हम आधे घंटे के अंदर फलूदा बना रहे हैं तो इसलिए हमने इसमें एक चम्मच, आधा किलो दूध में एक चम्मच अरारोट पाउडर डाला है। देखिए, दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया है, इसको हिलाते रहना है, छोड़ना नहीं है बीच में। इस तरीके से देखिए रबड़ी बनना शुरू हो गई है। अब चीनी आप अपने हिसाब से, मैंने इसमें 2 से 2.5 चम्मच चीनी डाली है, आप अपने हिसाब से मीठा कितना खाते हैं उतना डालिएगा। अब इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए मेरे पास था घर में कस्टर्ड पाउडर, वो मैंने लिया 2 से 2.5 चम्मच और इसमें मिलाई मैंने 2 चम्मच ही पिसी हुई चीनी। आसानी से आप घर में पीस सकते हैं। देखिए, इसकी हम सेवई बनाएंगे। कई लोग अरारोट पाउडर की बनाते हैं, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप घर में कस्टर्ड पाउडर, घर में सभी के रहता है। अब हमने क्या करना है, एक तवा चढ़ाया, उसमें ये पाउडर मिक्स करके डाल दिया, चीनी और ये कस्टर्ड पाउडर, ध्यान रखिएगा। अब इसमें नॉर्मल पानी, गैस ऑन करके नॉर्मल पानी डालेंगे और इसको धीरे धीरे हिलाते रहेंगे, इसको छोड़ना नहीं है बीच में। मुश्किल से 5 मिनट में आपकी सेवई का ये तैयार हो जाएगा बैटर। देखिए, इस तरीके से इसको हिलाना है, आंच को थोड़ा मीडियम से हाई रखेंगे, बस इसको हिलाते रहना है, इसमें लम्स ना पड़े। इस तरीके से 5 मिनट लगेंगे, हमारा सेवई के लिए ये बैटर तैयार हो जाएगा। देखिए, बस हो गया। अब इसको इकट्ठा करना है। कई लोग अरारोट से बनाते हैं, हम इससे कस्टर्ड पाउडर से बनाएंगे, बहुत आसानी से बना लेंगे आप। आँच को मीडियम कर दिया है मैंने, देखिए अब ये हमारा बैटर पूरा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब क्या करना है आपको, ये मेरे पास सेवई बनाने वाली मशीन थी, इसको गरम गरम ही इसमें डालेंगे हम इस तरीके से। देखिए, ठंडा नहीं होने देना है बैटर को, इसको इस तरीके से आप काट काट के इस मशीन में डालते जाइए और इसको सिलाई से अंदर कर दीजिए। इस तरीके से इसको टाइट करके बंद करेंगे और इसमें से निकालेंगे सिवाई। इधर मैंने एक प्याले में बर्फ़ का पानी, चिल्ड पानी लिया था, अब सिवाई इसमें इसी में हम काट कर निकालेंगे। देखिए कितनी अच्छी और सॉफ्ट सिवाइयाँ निकल रही हैं, ये पहली बार बता रही हूँ आपको कस्टर्ड पाउडर की सिवाई। बस इसको घुमा घुमा के इस तरीके से दबाते जाइए और इसमें से सिवाई निकल जाएगी। हमारे फालूदे की सिवाई तैयार हो गई, कलर भी बहुत अच्छा आया इसका। अब इसको कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए ठंडे पानी में छोड़ देंगे। देखिए, ना सिवई हमारी टूटी है ना कुछ, बहुत अच्छी अलग खिली खिली सिवई बन गई है। ये हमारी 3 चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, जेली, रबड़ी और ये हो गई सिवई। इधर मैंने एक प्याले में चिया सीड भिगा दिया था। अब हमने 3 गिलास तैयार करने हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने उसमें सिवई डाल दी ठंडे पानी से निकाल के। इधर जेली भी हमारी बहुत अच्छी जमी है। देखिए, इसको आप अपने शेप में जैसा भी चाहें इसको छोटे छोटे पीसेस में इस तरीके से काट लेंगे। इसको देखिए कितनी अच्छी जेली जमी है, इसको मैं छोटे छोटे क्यूब्स में काट दूंगी। देखिए कितनी अच्छी पीस बने हैं इसके। अब हमने पहले गिलासों में डाली सिवई, अब इसमें डालेंगे जेली। ये बच्चों को क्या, बड़ों को भी बहुत पसंद आने वाला डिश है ये। इसमें डालेंगे हम जेली के छोटे छोटे पीस, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। अब डालेंगे इसमें रबड़ी,
रबड़ी भी बहुत अच्छी गाढ़ी गाढ़ी जमी है हमारी। एक से दो दो चम्मच डालेंगे। आप जिस तरीके से चाहें इसको सजा सकते हैं, पहले जेली डाल सकते हैं, जो भी डाल सकते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने सब में डाल दी दो दो चम्मच रबड़ी। अब डालूंगी मैंने चिया सीड भिगा के रखे थे, उसमें एक एक चम्मच ये भी आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। इसको एक आप प्याले में आधे घंटे के लिए भिगा दीजिएगा थोड़े से पानी में। अब एक एक चम्मच डालेंगे चिया सीड, ये गर्मियों में बहुत फ़ायदा करते हैं। अब फिर इसमें ऊपर से डालेंगे जेली। बच्चे तो जेली देख के खुश हो जाएंगे, वैसे ही आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। अब फिर से डालेंगे इसमें रबड़ी, एक एक लेयर रबड़ी की फिर लगाएंगे इसमें। अब मेरे पास घर में रखी थी वनीला आइसक्रीम, ये मैं एक एक क्यूब ऊपर से डालूंगी। आपके पास जो भी हो आइसक्रीम आप डाल सकते हैं और फलूदे का मज़ा ले सकते हैं। मेरे पास वनीला थी, हम इसी को डालेंगे। आप इस डिश को एक बार ज़रूर ट्राई करिए, बहुत टेस्टी डिलीशियस बनती है। आप बाहर जाने से अच्छा घर में ये बनाइए, और गर्मियों के मौसम में सबको बहुत पसंद आने वाली डिश है। अपनी फैमिली के साथ कस्टर्ड फलूदा आइसक्रीम इंजॉय करिए, और मुझे लिख के ज़रूर बताइए। थैंक यू।